हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन दिस इज विनय कुमार यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय सर इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू ट्रांसलेट सम हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश हियर इज वन एडवांस स्ट्रक्चर एंड यू विल ट्राई टू ट्रांसलेट सम हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश ओके देयर इज समथिंग फिशी देयर इज समथिंग फिशी मीन्स कुछ गड़बड़ है या दाल में कुछ काला है जैसे हम लोग अक्सर अपने बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं बोला करते हैं कि दाल में कुछ काला है इसलिए वह वहाँ जा रहा है दाल में कुछ काला है इसलिए वह मुझसे बात नहीं कर रहा है दाल में कुछ काला है इसीलिए वह पढ़ नहीं रहा है या आप कह सकते हैं कुछ गड़बड़ है इसीलिए वह वहाँ नहीं जाता है कुछ गड़बड़ है इसीलिए वह मुझसे बात नहीं करता है या दाल में कुछ काला है इसीलिए वह मुझसे बात नहीं करता है तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस स्ट्रक्चर पे हम लोग ट्रांसलेट करने का काम करेंगे आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं देयर इज समथिंग फिशी देयर इज समथिंग फिशी का मतलब हुआ कुछ गड़बड़ है या दाल में कुछ काला है उसके बाद आपको यहाँ पे शो लगाना है इसलिए जो दे रखा है इसके लिए आपको शो लगाना है उसके बाद सेंटेंस के टेंस की पहचान करके और फिर उसको आपको आसानी से उस टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है ओके तो आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ गड़बड़ है इसलिए वह नहीं आ रहा है कुछ गड़बड़ है इसीलिए वह मुझसे बात नहीं करता है कुछ गड़बड़ है इसीलिए वह वहाँ नहीं जाता है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कुछ गड़बड़ है या दाल में काला है देयर इज समथिंग फिशी There is something fishy. ठीक है So वह नहीं आ रहा है So he is not coming. So he is not coming. इसलिए वह नहीं आ रहा है कुछ गड़बड़ है इसलिए वह वहां नहीं जाता है There is something हाँ कुछ कर इसलिए वह वहाँ जाता है आई दाल में कुछ काला है इसलिए वह वहाँ जाता है तो देयर इज समथिंग फिशी देयर इज समथिंग फिशी ठीक है देयर इज समथिंग फिशी So, वह वहां जाता है ही गोज देयर या दाल में कुछ काला है इसलिए वह वहां नहीं जाता है या वह आजकल वहां नहीं जाता तो ही डज नॉट गो देयर नाउ और डेज तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को अगर आपके हिंदी सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है या दाल में कुछ काला है अगर ऐसे सेंटेंस आपको बोलने हैं तो फिर आपको देयर इज समथिंग फिशी के द्वारा आप प्लस शो लगा के उसके बाद सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करने का काम करना है आई होप डेट यह वीडियो आपको समझ में आई होगी थैंक यू टू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू एवरीवन फॉर योर एक्सलेंट सपोर्ट थैंक यू एवरीवन